साइबर क्राइम को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली में दो दिवसीय फ्यूचर क्राइम समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई देखिए। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन और IIT कानपुर के AIIDE ने फ्यूचर क्राइम समिट 2024 का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के इंडियन साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर, नासकॉम, डेटा सिक्योरिटी काउंसलिंग, साइबर वॉरियर से जुड़े लोग शामिल हुए। फ्यूचर क्राइम समिट 2024 में भारत में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए जोर दिया गया। सबसे अच्छी बात है कि सरकार को ये बात पता है कि प्रॉब्लम है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो सरकार कर रही है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, ट्रेंड ऑफिसर्स ला रही है, बट उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि इसमें विक्टिम बनने वाले हमारी ही इंडियन कंपनीज है, हम इंडियन लोग हैं। साइबर क्राइम को रोकने में देश के सभी राज्यों में तेलंगाना सबसे अव्वल राज्य रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और G20 समिट से पहले कोविड के दौरान सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए। भारत में एक साल में 14 लाख साइबर अटैक हुए, जिसमें 2 लाख अटैक सरकारी संस्थाओं पर हुए। आज डार्क वेब पर सबसे ज्यादा 62% नारकोटिक्स का व्यापार होता है। More attention is paid towards the lesser number of crimes. 5% is the crime against women and children, but of course, like that is a more sensitive crime, so more attention is paid. But the actual financial losses and what other countries are targeting us is on our economy, because that's where they know that we can, you know, kind of drag us down. So yes, and you're right, like not enough attention is being paid.